फर्जी एनकाउंटर है भैया, धूप चाहिए। बच्चा से गलती कहीं हो कहूँ छोटा मोटा अपराध रहा हो, लेकिन ये काउंटर एकदम फर्जी है। वह यह कंडीशन का नहीं रहा कि पुलिस से मुठभेड़ करे जाए, एकदम गलत है। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, सभ्य लड़का था, किसी को आज तक किसी से कोई तूतू मैं नहीं हुई उससे, और ना असभ्य भाषा में कभी किसी से बात किया है हमारी जानकारी जहाँ तक है। सही रहा है, नान्हे सोए का हम जाने थे दुआरे पर हाँ। सामने है कोटा रहा हाँ। जात रहे हाँ। कामो धंधा कर रहे नन्हे, नाती ला गए बाबा बाबा हरदम कहा कर रहे हैं। की आवाज शुरू हो गई है, चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। जिस तरीके से 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती है, उस तरीके से पुलिस व्यवस्था का पोल खुलती है। जिस तरीके से 5 सितंबर को सुबह मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है और अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, फिर से राजनीतिक गहमागहमी तेज हो जाती है। एसटीएफ को लेकर के फिर से सवालों के घेरे में लाया जाता है। एसटीएफ पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं, कई तरह के जातिवाद के आरोप लगाए जाते हैं, तो एसटीएफ का फुल फॉर्म ही बदल दिया जाता है। स्पेशल टास्क फोर्स से उसे स्पेशल ठाकुर फोर्स बोल दिया जाता है। लेकिन अब जब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के भी फिर से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई है। किसी का कहना है कि खून का धब्बा मिटाने के लिए फिर से दूसरा खून किया गया है, तो किसी का कहना है कि क्या जातिवादी एंगल से देखने वाले लोग क्या अनुज प्रताप सिंह के घर जाएंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग भी अनुज प्रताप सिंह के घर जाएंगे जो मंगेश यादव के घर गए, क्या अखिलेश यादव फिर से अनुज प्रताप सिंह के लिए ट्वीट करेंगे, क्या फिर से पूरी विपक्ष इस इनकाउंटर पर सवाल खड़ी करेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर ये इस इनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है क्या डकैती का जो आरोप है, जो अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है, क्या डकैती की सजा इनकाउंटर होता है? क्या हमारे भारतीय संविधान में कानून में यह है कि डकैती किया हुआ व्यक्ति को इनकाउंटर कर दिया? तरह तरह के लोगों के मन में फिर से खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हम अमेठी में है और बता दें अनुज गांव में, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि अनुज प्रताप सिंह कैसा था और इस इनकाउंटर को लेकर के लोगों के बीच में क्या चर्चाएं हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यूपी में जब भी इनकाउंटर होता है वो हमेशा से विवादों में रहा हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। तो चलिए आइए गांव के लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो अनुज प्रताप सिंह को जानते थे, और क्या आप अनुज प्रताप सिंह को जानते थे? जानते थे, गाँव के हैं जी। कैसे प्रताप सिंह, कब आप लोगों को खबर लगी कि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर दिया गया? अरे 9-10 के करीब। लास्ट बार अनुज प्रताप सिंह से आप कब मिले थे? हम तो मिले 3-4 महीना पहले। अच्छा, क्या कहीं से भी ऐसा लगा, क्या आस पड़ोस के लोगों को या गांव के लोगों को अनुज प्रताप सिंह से कोई दिक्कत थी, कोई लड़ाई झगड़ा कभी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं थी? क्या आपको कभी से लगा कि अपराधी है? नहीं, अपराधी ने कभी ऐसा काम किया नहीं, कभी नहीं किया ऐसा। था अच्छा लड़का, था पढ़ने लिखने लायक भैया, स्कूल जाता था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, क्या बताया जाए। इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? गलत हुआ, गलत हुआ जी, गलत किया। तो सभी को इनकाउंटर कर दिया जाए, कितने लोगों का। एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो इस पूरे गैंग का सरगना बिपिन सिंह था, उसको सरेंडर करवा दिया गया है। हालांकि एसटीएफ का कहना है कि बिपिन सिंह का साथी ही था अनुज प्रताप सिंह जिसका इनकाउंटर हुआ है। इसका नाम गुजरात के सूरत में हुई एक चोरी में और था मुकदमा था, जिसमें ये जेल भी जा चुका था और बेल पे बाहर आया था। लोगों की क्या है बातें, लोगों की क्या है चीज़ें, उसके भी हम खुल करके बात करेंगे। उधर भी कुछ गांव वाले लोग हैं, आइए चलिए इन्हीं गांव वाले से जानने का प्रयास करते हैं आखिर अनुज प्रताप सिंह कैसा था। हम इस समय अमेठी के अनुज प्रताप सिंह के ही गांव में थे, यहाँ पे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इन्हीं से जानने के लिए प्रयास करेंगे कि कैसा था अनुज प्रताप सिंह। कुछ और लोग बैठे हैं, क्या आप अनुज प्रताप सिंह को जानते थे? जानते। कितने सालों से उसे जान रहे हैं? कितने साल से बता दे जा रहे हैं, जब से पैदा हो तब से जानते अच्छा। हैं। अच्छा, कैसा था अनुज प्रताप सिंह? ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। क्या कभी आपको लगा कि वो अपराध में संलिप्त है, वो अपराधी है? क्या कभी उसके गांव में किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, अनुज प्रताप सिंह क्या दादाजी है? क्या कभी आपने अनुज प्रताप सिंह जी को अपराधों में लिप्त देखा था? कैसा था अनुज प्रताप सिंह? अनुज प्रताप लड़का बहुत हाँ।
गांव के लिए बहुत सही था। अच्छा। देखा जब खुदराव है और किसी से कभी अबे तबे कोई लड़ाई कोई झगड़ा किसी से लड़ाई बिल्कुल नहीं झगड़ा किसी कोई से नहीं हाँ। दादा का खात रहा है हाँ। और यहाँ पूरे मोजामा जो है वो साबित लड़ा। अच्छा, इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? एकदम फर्जी है, एकदम फर्जी, एकदम फर्जी भैया। अच्छा, और इधर एकदम फर्जी एनकाउंटर है भैया। धूप चाहिए, बच्चा से गलती कहीं हो सका तो हो सका, कहूँ छोटा मोटा अपराध रहा हुआ, लेकिन ये काउंटर एकदम फर्जी है। वो यह कंडीशन का नहीं रहा कि पुलिस से मुठभेड़ करे जाए, एकदम गलत है, पुलिस फर्जी है एकदम। अरे कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया पे ये सवाल चल रहे हैं कि यादव का इनकाउंटर हुआ, उस बात को दबाने के लिए जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको दबाने के लिए छत्री का। अब हुआ कैसे कहा हुआ का हम नहीं कह सके, लेकिन यह बच्चा ये कंडीशन का नहीं रहा कि पुलिस से मुठभेड़ करे, यह फर्जी है। अच्छा, हाँ पढ़े जाता मान लियो लालच में कुछ गलती हो सके थे कहूँ भाई हुए वैसे, लेकिन इतना बड़ा अपराधी नहीं रहा कि वो पुलिस से एनकाउंटर मुठभेड़ करे पुलिस का मारे, या एकदम फर्जी है। फर्जी एकदम फर्जी। कभी किसी गांव वालों को कोई दिक्कत हुई? काका दादा छोड़ पूरा अदब छोड़ और बाकी कभी बात ही नहीं करी। हाँ बिल्कुल गलत बात है, पढ़ा रहा भाई साल दो साल हो सके छोड़ी सुबह, बिल्कुल तो गलत बात। अनुज प्रताप सिंह यही रहता था या बाहर रह के पढ़ाई करता था? नहीं घर से पढ़ा रहा, अब यह दो साल पहले शायद सूरत गा है का। हाँ, बस यही कोनो ऐसा नहीं रहा, घर में इनके कोटेदार रहे अपन, जहाँ सब लोग द्वारे उतरे जा रहे, सबसे बिल्कुल अच्छे से बोलचाल रही, बिल्कुल कोनो ऐसी बात नहीं रही। कैसा था अनुज प्रताप सिंह? अच्छा लड़का था अनुज प्रताप सिंह, अच्छा था, सभ्य लड़का था। और उसको फिलहाल क्या कैसे है वो ऊपर का सिस्टम में तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, जो सूचना मिली कि आज सुबह इनकाउंटर हो गया, लेकिन फिलहाल मुठभेड़ लायक या ऐसा कुछ जो है इस कंडीशन का, इस कंडीशन का नहीं समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इनकाउंटर को लेकर के हमेशा यूपी में विवाद रहा है, कोई सी भी सरकार में कैसा भी इनकाउंटर रहा हो सवाल के घेरे में हमेशा रहा हो, चाहे वो मंगेश यादव का इनकाउंटर हो या फिर अजय यादव को जिस तरीके से पैर में गोली लगी या फिर जिस तरीके से आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर दिया गया है, ऐसे में आप क्या देखते हैं क्या समझते हैं? देखिए बहुत बड़ी राजनीति या उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मानवीयता के खिलाफ। अच्छा, जो तरीका या जो कुछ है या फिर लड़का ऐसा था तो ऐसा कतई नहीं था, और राजनीति से हट करके मानवीयता भी कुछ होती है, और राजनीति ऐसी चीज है इन सब बातों को से परे होता है, होती है राजनीति, जिसमें कि मानवीयता जैसी जो है का कहीं पे कोई स्थान नहीं होता, और ऐसी स्थिति या ऐसा लड़का नहीं था। तो यहाँ मुठभेड़ करे या कुछ हो ऐसा, सभी गांव वालों का एक ही कहना है कि वो मुठभेड़ की कंडीशन में था ही नहीं, कभी वो किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं था, यहाँ तक कि जब हम उनके घर में गए उन लोगों का कहना है कि आसपास के किसी भी थाने में उसके ऊपर 151 का चालान भी नहीं किया गया था, उसके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं किया गया था। क्या आप अनुज प्रताप सिंह को जानते थे? हाँ जानते। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, सभ्य लड़का था, किसी को आज तक किसी से कोई तूतू मैं नहीं हुई इससे, और ना असभ्य भाषा में कभी किसी से बात किया है हमारी जानकारी जहाँ तक है। लड़का बहुत अच्छा था। अच्छा, जैसे उनके घर में कोटा भी था तो जब जाहिर सी बात है पूरे ग्रामवासियों को वहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था, तो क्या कभी कोई बहस कभी कोई कुछ ऐसा लगा हो कि जैसे वो गुस्से वाला प्राणी हो या फिर वो एक अपराधों में संलिप्त व्यक्ति? ऐसा तो कभी नहीं, हम लोगों को एहसास नहीं हुआ कभी कि वो गुस्से में है कि किस तरह से है, लेकिन कुल मिला करके वो लड़का बिल्कुल सभ्य था और एक सभ्यता का प्रतीक था वो लड़का। आज तक जैसे आप बाबा लगते हैं तो आपको बाबा छोड़ करके, और चाचा हैं तो चाचा, भाई हैं तो भाई छोड़ करके कभी किसी से इन अभद्रता से बात नहीं किया, और लड़का बहुत सभ्य था। इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? नहीं इनकाउंटर तो फर्जी है, इस काबिल नहीं अपराध उसके उसका था, और हमारी जानकारी जहाँ तक है कि आज से पहले कभी किसी भी थाने में किसी तरह का उसके ऊपर यानी कि मुकदमा हमारी जानकारी में जहाँ तक नहीं है। में पुलिस का कहना है कि किस प्रकार से वो पुलिस पर मुठभेड़ हुई, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, एक साथ ही उसका भाग गया फिर इसको मारा गया। तो देखिए ग्रामीण लोग हैं, अनुज प्रताप सिंह को जानते हैं चाचा? कैसा लड़का रहा? सही रहा है, नाढ़े सोए का हम जाने थे द्वारे पर,
सामने है कोटा रहा है जात रहे काबो धंधा कर रहे नाती ला गए बाबा बाबा हरदम कहा कर रहे पढ़ाई छोड़ी यहाँ जो है गलती छोटी मोटी हो गलती छोटी मोटी इतना बड़ा बड़ा कोई बात नहीं। तो इनकाउंटर कैसे देखा था साहब? आज सवेरे जाना का है सवेरे तो हम थे इस समय अनुज प्रताप सिंह के गांव में। आपने आपको सुनवाया कि किस प्रकार से ग्रामवासियों का क्या कहना है, सभी का यही कहना है मुठभेड़ कर ही सकता था, उस कंडीशन में वो था ही नहीं, कभी किसी के साथ की वो अभद्र भाषा से भी बात नहीं किया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं रवि राज, दर्शक न्यूज 24।